आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के जैगुआर फ्लीट के बारे में। भारतीय वायुसेना की जैगुआर फ्लीट भारतीय वायुसेना के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई है। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी, HAL और भारतीय वायुसेना की नेगोशिएशन अमेरिकन कंपनी हनीवेल के साथ किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि भारतीय वायुसेना जिस रेट पर हनीवेल के इंजन खरीदना चाहती थी उससे कहीं ज्यादा रेट पर हनीवेल के इंजन अब जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पर और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय वायुसेना के पास अब क्या ऑप्शंस हैं और क्या होगा भारतीय वायुसेना के 120 जैगुआर्स का। भारतीय वायुसेना की जैगुआर फ्लीट को डैरिन 3 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जाना है। अपग्रेड के बाद इस फाइटर जेट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार ELM-2052 लगाया जाएगा। ELM-2052 के लग जाने के बाद इसकी रेंज कई गुना बढ़ जाएगी और साथ ही ये जैम प्रूफ भी हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए इसके हथियारों की तो समझ में आता है कि इसके हथियार बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक हो जाएंगे डैरिन 3 अपग्रेड के बाद। इस फाइटर बॉम्बर में ज्यादा जगह नहीं है, ये एक कॉम्पैक्ट फाइटर जेट है और इसीलिए दो एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट देने के लिए इस फाइटर जेट के विंग्स के ऊपर एक पायलन लगाया गया है जो एक एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। अपग्रेड के बाद ये फाइटर बॉम्बर नए अत्याधुनिक बॉम्ब तो ले जाएगा ही, साथ में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्राम भी ले जाने में सक्षम होगा, जिसके बाद इसकी एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। एस्ट्राम आज की तारीख में दुनिया की सबसे अच्छी शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल को UK की MBDA कंपनी बनाती है। जैगुआर के अपग्रेड के बाद में इसमें नए और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स लगेंगे। इसके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम न ही केवल इसको दूसरे फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से बचाएंगे, बल्कि इसको वो क्षमता देंगे जिससे ये दूसरे फाइटर जेट्स को बड़ी ही आराम से जैम कर सकेगा। वहीं दूसरी ओर इस फाइटर जेट में एडवांस सेंसर्स भी लगाए जाएंगे। इन सेंसर्स के लगाए जाने के बाद इस फाइटर जेट को अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस मिलेगी, जिसके बाद इसका पायलट बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। इस सारे अपग्रेड के बाद में जैगुआर का वेट काफी हद तक बढ़ जाएगा और इसे उड़ने के लिए ज्यादा पावरफुल इंजन्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये अपने पुराने इंजन्स पे भी उड़ सकता है, लेकिन ये अपने पूरे आर्म्स और एमिनेशन ले जाने में सक्षम नहीं होगा, जिससे इस फाइटर जेट की बॉम्बिंग कैपेबिलिटी, मिशन प्रोफाइल, रेंज सब कुछ इफेक्ट होगा। माना जा रहा है जैगुआर के करंट इंजन यानी कि रोल्स रॉयस एडोर 8111 अपने मैक्सिमम थ्रस्ट रेटिंग पर भी 15-20% कम थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं इस अपग्रेडेड फाइटर जेट को पावर करने के लिए। और इसीलिए भारतीय वायुसेना और HAL ने मिलकर बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और उसके बाद डिसाइड किया कि हनीवेल के F-125 इंजन को 80 जैगुआर की फ्लीट को पावर करने के लिए यूज किया जाएगा। ये 80 जैगुआर डैरिन 3 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेडेड होंगे और इनमें सारे एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर्स लगे होंगे। हालांकि अब ये अपग्रेड काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हनीवेल कंपनी अब इन इंजन्स के लिए काफी ज्यादा पैसे चार्ज कर रही है। ये 80 जैगुआर के अपग्रेड की कॉस्ट होगी करीब $2.4 बिलियन। इस बात को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए आइए समझते हैं $2.4 बिलियन कितना होता है। कुछ सालों पहले इजिप्ट की रशिया के साथ डील हुई थी MiG-35 को लेकर। इजिप्ट रशिया से 50 MiG-35 जेट्स खरीद रहा है और इस डील की टोटल कीमत $2 बिलियन है। इनफैक्ट दो जैगुआर के अपग्रेड की कीमत पर एक बेसिक रफाल जेट आ जाएगा। भारतीय वायुसेना के प्रीमियर जेट Su-30 MKI दो जैगुआर्स के बराबर का वेट बड़ी ही आसानी से ले जाने में सक्षम है, यानी कि एक Su-30 MKI दो जैगुआर्स का काम बड़ी ही आसानी से कर सकता है। अगर दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास दूसरा ऑप्शन है Tejas Mk-1A। हालांकि Tejas Mk-1A की रेंज काफी कम होगी और ये जैगुआर को रिप्लेस करने में सक्षम अभी तो नहीं है। आने वाले समय में Tejas Mk-2 एक बहुत ही बढ़िया विकल्प होगा जैगुआर की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए। जैगुआर एक टैक्टिकल फाइटर बॉम्बर जेट है और ये बॉम्बिंग मिशन बड़ी ही आसानी से करने में सक्षम है। हालांकि अगर बात की जाए बॉम्बिंग मिशंस की तो बॉम्बिंग मिशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाई लो हाई। इस मिशन के दौरान एक फाइटर जेट अपनी नॉर्मल क्रूज एल्टीट्यूड पे उड़ते हुए टारगेट के पास पहुंचता है और फिर लो डाइव करके टारगेट के पास जाकर बॉम्ब करके वापस से उसी एल्टीट्यूड पर आकर वापस चला जाता है। वहीं दूसरी ओर दूसरी प्रोफाइल होती है लो लो लो। इस प्रोफाइल की बॉम्बिंग के दौरान फाइटर जेट सतह के करीब उड़ते हुए टारगेट के करीब पहुंचता है, टारगेट के ऊपर बॉम्ब्स की वर्षा करता है और उसके बाद सतह के करीब उड़ते हुए वापस आ जाता है।
जब एक फाइटर जेट एनिमी टेरिटरी में बॉम्बिंग मिशन पर जाता है तो उसे सबसे पहले पकड़ते हैं ग्राउंड बेस्ड रेडार्स। ग्राउंड बेस्ड रेडार्स अपनी रेडार रेडिएशन इस फाइटर जेट की तरफ भेज देते हैं और उसके बाद इसकी स्किन से आ रहे रिफ्लेक्शंस को रिसीव करके इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद इसका इंटरसेप्शन शुरू होता है। वहीं दूसरी ओर अगर ये फाइटर जेट सतह के करीब उड़ रहा हो तो ये रेडार की लाइन ऑफ साइट में नहीं आता और इसीलिए रेडार्स इसको बड़ी ही आसानी से पकड़ नहीं सकते। हालांकि ये एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिस समय एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम इन नीचे उड़ रहे विमानों को बड़ी ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं और बाद में इंटरसेप्टर्स को गाइड भी कर सकते हैं, जिसके बाद ये लो फ्लाइंग वाली टेक्निक इतनी ज्यादा कारगर नहीं रही। हालांकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो रेडार तरंगों को एब्सॉर्ब कर लेते हैं या दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो नया ट्रेंड बन चुके हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना अभी जैगवार्स को उड़ा सकती है और आने वाले समय में इनके रोल्स को Su-30 MKI को ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि इसका सबसे सही रिप्लेसमेंट रफाल जेट्स होंगे, लेकिन अगर आने वाले समय में तेजस मार्क 2 समय के साथ सही तरीके से इंडक्ट किया जाए तो तेजस मार्क 2 इसका एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं भी पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।